आप देख रहे हैं त्वरित विशेष और त्वरित विशेष में आज होगी जन्माष्टमी की धूम। जी हाँ, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आज पूरे देश में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त कृष्ण मंदिरों में उमड़ी हुई है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज से पूरा माहौल इस वक्त भक्तिमय हो गया है। बिल्कुल, तो पूरा माहौल भक्तिमय है। आपको कृष्ण की नगरी मथुरा और द्वारका हम ले चलेंगे। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह और राजल बरोट वहां से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज देश भर के अलग अलग मंदिरों में है जन्माष्टमी की धूम। बिल्कुल, रक्षित के पास चलते हैं। रक्षित इस वक्त मथुरा में मौजूद है, जो कि कृष्ण की जन्म स्थान है, कृष्ण भगवान का। और साथ ही राजल बारोट हमारे साथ द्वारका से जुड़ी हुई हैं। द्वारका नगरी को बसाया था भगवान कृष्ण ने। सबसे पहले रक्षित, आपके पास आते हुए कृष्ण की जन्म नगरी में आज क्या धूम देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्म स्थली पर खड़ा हुआ हूँ और पूरे ब्रज में जयकारे गूंज रहे हैं। कृष्ण भगवान के तमाम जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं कि कृष्ण जन्मस्थली पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं और लगातार हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे 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 राधे। तो इस तरीके का माहौल है श्री कृष्ण जन्मस्थली पर। और पोशाक आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान की, के जो पोशाक है उसमें साक्षात भगवान का रूप जो है वो नजर आ रहा है। और आज मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, उनका प्रकाटोत्सव होगा। और भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे तो यूं तो देश भर में और पूरे ब्रज क्षेत्र में तमाम मंदिरों में आयोजन किया जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थली का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार श्री कृष्ण जन्मस्थली पर लगा हुआ है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का अनुमान है कि आज तकरीबन 40 लाख के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर प्रांगण में पहुँचेंगे, गर्भगृह में पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। और सुबह से ही आप देख सकते हैं कि भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी और लगातार श्री कृष्ण भगवान की नारेबाजी कैसे होती है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़नी शुरू हो गई है। और इस वक्त श्री कृष्ण जन्मस्थली पर ये नजारा आप देख सकते हैं। जी आइए आइए जी रक्षित, हम देख सकते हैं राधे राधे और जय कन्हैया लाल की के जयकारे हैं। भक्त तो भक्ति में डूबे हुए भी आप भी उसी रंग में हमें रंगे हुए नजर आते हैं। सीधा हम द्वारका चलेंगे, हमारी संवाददाता राजल हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं। राजल, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो हमने देख लिया, अब कर्मस्थली में किस तरह की रौनक है वो भी हमें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, खास करके जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वो मथुरा नगरी है, लेकिन उनकी जो कर्मभूमि है वो द्वारिका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर बिताया था। और हमारे साथ में यहाँ पर एक नटखट कन्हैया है जो बांसुरी बजा रहा है और उनकी मम्मी ने उनको नंद गोपाल बनाया हुआ है। खास करके उनके जो माथे पर जो मोर पंख है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर सजाया हुआ था वो सजाया हुआ है। हम उनके साथ में बात करेंगे। आज जन्माष्टमी का अवसर है, आप तो नंद गोपाल को ही लेकर आ गई है। जी, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैंने अपने बेटे को बाल गोपाल के रूप में कृष्ण भगवान बनाया है। ये भी कृष्ण भगवान का बहुत प्रिय है, बहुत मानता है उनको। जब भी मैं इनको गाने के लिए कहती हूँ ये हमेशा काना बन लेता है। अच्छा यौन, आपको काना वाला गाना आता ना, सुना दो माखन माखन वाला काना काना, जल्दी सुना दो। ये तो कन्हैया बहुत ही नटखट है, शरारती है, क्योंकि आज तो भाई नटखट कन्हैया का उत्सव है। आप यहाँ पर आए हैं, दर्शन किए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, जैसे लाइफ में मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। और हम हमारे साथी के साथ में आए, हमारे समधी के साथ में आए, लेकिन बहुत ही अच्छा। लेकिन आज ऐसा हम सद्भाग्य समझते कि हमने कुछ पूर्व जन्म ने कुछ अच्छे कर्म किए तो आज हम द्वारकाधीश के दर्शन करने आए। आपने भी द्वारकाधीश के दर्शन किए, कैसी अनुभूति हुई आपको?
बहुत अच्छा महसूस करे और पहली बार यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और जन्माष्टमी पे तो खास अच्छा लग रहा है, दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर द्वारकाधीश की गूंज लगातार सुनाई दे रही है, आपने दर्शन किए हैं भगवान, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कण कण में कृष्ण बसे हुए हैं और उसी कृष्ण के जो राजाधिराज स्वरूप के आपने दर्शन किए हैं, कैसी अनुभूति हो रही? मुझे काफ़ी बढ़िया अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा अवसर मुझे मिला हुआ है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, 100 साल की ध्वजा मुझे मिली हुई है, आज मेरी सबसे पहली ध्वजा चढ़ी हुई है और मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा जन्म मेरा सफल हो गया है ध्वजा की वजह से। यहाँ पर दिन में 5 बार ध्वजा जी चढ़ाई जाती है, आपने दर्शन किए हैं और आज के पर्व पर आपकी ध्वजा जी यहाँ पर लहराई हुई है, क्या कहेंगे? हमारा तो सब बहुत सद्भाग्य है कि हम लोग को ये सब अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जितने भी हरिभक्त आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। जी जी बिल्कुल राजल, हमने देखा कि भगवान कृष्ण की कर्म भूमि में लोग दूर दूर से आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, चूंकि आज जन्मोत्सव है भगवान कृष्ण का, इसलिए जन्मस्थली लिए चलते हैं। रक्षित लगातार वहां से बने हुए हैं। रक्षित, ये बताइए आज रात के लिए मथुरा में क्या तैयारियां जन्मस्थली पर खास तौर से की गई है, रात में क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, यूं तो पूरे ब्रज का हर मंदिर जो है आज वो अपने भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगा है, लेकिन गोकुल, नंदगांव, मथुरा और ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग 3000 के आसपास ऐसे मंदिर हैं जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं और सबसे सुंदर सबसे भव्य तैयारी जाहिर सी बात है कृष्ण जन्मस्थली पर ही देखने को मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कृष्ण जन्मस्थली की कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। ये वो तमाम पुष्प हैं, फूल हैं जो बाहर से मंगाए गए हैं, इसमें से कर्नाटक से बहुत से फूल आए हैं, बंगाल से आए हैं। इसके अलावा पोशाक जो कृष्ण भगवान की है वो कल अर्पित कर दी गई थी, भगवान के जो गर्भगृह है वहां पर पहुंचा दी गई थी और आज रात में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वो नई पोशाक जो है वो धारण करेंगे और तमाम जो कृष्ण भक्त हैं उनका तांता लगना सुबह से ही शुरू हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए हैं। भोपाल से आए, उधर देख के बात करिए, भोपाल से आए हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे? आते हैं, कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पे हर साल आते हैं। आप भी हर साल? हाँ, पटना से हर साल आते हैं। पटना से आए हैं? हाँ, पटना से आए हैं। हर साल दिन मनाने हर साल आते हैं, पटना से आते हैं और बहुत से पटना से आते, हर साल आते हैं। कन्हैया जी को जन्मदिन मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन हाथी घोड़ा पालकी तो आपने बोला ही है। हाथी घोड़ा पालकी जय, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो इस तरीके का माहौल है श्री कृष्ण जन्मस्थली पर के लगातार हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की उद्घोष यहाँ पर सुन सकते हैं और जाहिर सी बात है कि कृष्ण जन्मस्थली का जो रंग है वो ही कुछ ऐसा है कि तमाम जो देश के दूर दूर के कोनों से लोग बाग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल रक्षित, तो जबरदस्त उत्साह है श्रद्धालुओं में हम देख पा रहे हैं, मथुरा से लेकर द्वारका तक है जन्माष्टमी की धूम। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित आपका और राजल आपका भी द्वारका से, तो हर तरफ जन्माष्टमी की धूम है, मथुरा हो या फिर द्वारका हो, भक्तों का तांता लगा हुआ है, भगवान कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं। बिल्कुल, अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में कल ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ जन्माष्टमी के मौके पर विशेष आरती की गई और देखिए ये मंदिर के कपाट पहले बंद थे और फिर जब खुले तो फिर जो शोभा थी और जो भगवान का स्वरूप था वो देखते ही बन रहा था, किस तरह फूलों से सजाया गया, भोग लगाया गया और हरे कृष्णा की गूंज दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। बहुत ही खूबसूरती से दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को सजाया गया है आज। वहीं दिल्ली के रजोकरी में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की तरफ से आयोजित जन्माष्टमी पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीती रात ही श्री कृष्ण की पंचामृत, दूध, दही, मधु, गंगा जल और घी से भगवान कृष्ण का पंचाभिषेक किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रजोकरी में जन्माष्टमी का किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए पंचामृत से स्नान भगवान को कराया जा रहा है, उसके बाद विशेष तौर से भोग लगाया जाएगा, तरह तरह के फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है और ये देखिए
विशेष रूप से पूजा अर्चना रजौकरी मंदिर में दिल्ली के। तो विशेष पूजा आपने देखी दिल्ली के रजौकरी में। जन्माष्टमी के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और माहौल बना दिया कैलाश खेर ने। तो दिल्ली के रजौकरी में कैलाश खेर ने समा बांधा। वहीं नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरती की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कर्म भूमि गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी में पूरी लगन के साथ हिस्सा लिया। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने आरती की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।